नमस्कार, मैं हूं कंचन राय और इस वक्त में मौजूद हूं राजधानी भोपाल के वार्ड नंबर 12 में, और पूर्व पार्षद सुधीर गुप्ता जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हम यहां पर उनका स्वागत करेंगे। जी सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। पिछले 5 सालों में आपने किस तरह के बदलाव आपके वार्ड में किए? यहाँ पर रूम मैंने आपको पूर्व में बताया, रोड, नाली, पानी, सभी समस्याओं से हमने वार्ड 12 को संपूर्ण विकास कार्य कराए हमारे द्वारा। और यहाँ पर हमने खेल मैदान, कम्युनिटी हॉल, स्कूल, सभी चीज़ों का निर्माण हमारे द्वारा कराया गया। और अब किस सोच के साथ आपने दोबारा फॉर्म भरा है, दोबारा लड़ना चाहते हैं आप? यहाँ पर और बहुत सारी नाली सड़क में समस्या है। यहाँ पर सी ब्लॉक में पानी की एक टंकी हमें बनवानी है, ओवर हेड टैंक का निर्माण करना, जो यहाँ पाइपलाइन पूर्व में डली गई वो बिल्कुल लो स्तर की थी, जगह जगह से फूट जाती थी, तो वो भी नारियल खेड़े में हमें पूरे क्षेत्र में नई पाइपलाइन डलवाना है। और यहाँ पर जो स्कूल है उसका भी विकास करना है, खेल मैदान का विकास करना है, और जितनी भी रोड नाली जो टूट गई है, पानी से खराब हो गई है, उनको पुनर्निर्माण करना। यहाँ पर और क्या क्या समस्याएं जो जनता आपसे शिकायत करती हो? मूलभूत सुविधाएं नगर निगम देता है, और मूलभूत सुविधाओं में नाली और पानी ही आते हैं, सड़कें आती हैं, और वो जो भी यहाँ पे क्षतिग्रस्त हैं, टूटी हुई हैं, खराब हुई हैं, वो उसका हम पूरा निर्माण हमारे द्वारा कराया जाएगा। कितने विरोधी आपके साथ इस वक्त हैं? हमारा कोई विरोधी नहीं है, हम पूरा नारियल खेड़ा हमारे साथ है, यहाँ की माँ बहनें, सभी भाई बच्चे हमें बहुत प्यार करते हैं, और हम अपना विरोधी किसी को नहीं मानते। ये सब मिलके नारियल खेड़ा के हर प्रत्येक व्यक्ति यहाँ चुनाव लड़ रहा है, और उनका मुझे समर्थन प्राप्त है, और मैं निश्चित रूप से चुनाव में विजय रहूँगा। क्या लगता है आपको, इस बार भी आपको जीत मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, और अच्छे वोटों से मिलेगी, और कोई भी पार्टियाँ, जो जो पार्टियाँ खड़ी हुई है, सबकी जमानत जब्त होगी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, मैं हूं कंचन राय और आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल। राजधानी भोपाल में वार्ड नंबर 12 से देवेंद्र भार्गव जी जो है भारतीय जनता पार्टी से पार्षद उम्मीदवार हैं, और इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 12 से संयोजक विष्णु सिंह राजपूत जी। जी सर, स्वागत है आपका। जी, किस तरह से आप पार्टी को सपोर्ट करेंगे? भाई, पार्टी को सपोर्ट, मैं तो भारतीय जनता पार्टी से हूँ, और हमारा प्रत्याशी 20 साल के बाद मिला है, तो पूरे नारियल खेड़ा में वार्ड नंबर 12 में सभी लोग चाहते हैं कि परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि पिछले 20 वर्षों में कांग्रेस के यहाँ पार्षद रहे हैं, लेकिन विकास के नाम पर कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पाया है। रोड बनते हैं, साल भर भी रोड नहीं चलते हैं, रोड बिगड़ जाते हैं, सीवेज की बहुत व्यवस्था ख़राब है, रोडों की बहुत व्यवस्था ख़राब है। यहाँ पर एक कन्याशाला विद्यालय होना चाहिए, जो कि बहुत उसकी ज़रूरत है, वो भी नहीं खुला है। यहाँ पर ये बस स्टॉप बना हुआ है, जबकि नगर निगम कार्यालय सामने ही है, पार्षद लोग यहीं बैठे रहे 20 साल तक, यहाँ पर प्रतीक्षालय नहीं है। यहाँ की माताएं बहनें जबकि 6 बस चलती हैं, यहाँ की माताएं बहनें जाती हैं तो इस गुमटी के नीचे, उस गुमटी के नीचे, इस छत के नीचे खड़ी रहती हैं, तो वो प्रतीक्षालय नहीं, ऐसी बहुत सारी सुविधाएँ नहीं है, विकास तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है, तो पब्लिक ही चाहती है कि परिवर्तन होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इन सब में किस तरह का बदलाव करेगी? करेगी यहाँ पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, हम बहुत सारी निधियाँ लाएंगे, और सांसद निधि है, मुख्यमंत्री निधि है, विधायक निधि है, और स्वयं के भी निधि होती है, वो सारे, उससे बहुत अच्छा विकास होगा यहाँ पर। सर, आप भी अध्यक्ष हैं, तो आपने अपना भाग्य क्यों नहीं आजमाया? भारतीय जनता पार्टी की एक पद्धति है, भारतीय जनता पार्टी एक सिद्धांतवादी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी विचारधारा से चलती है, अगर ऊपर से नाम आया तो हम सब लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, और भी उम्मीदवार थे 2-3-4, लेकिन सभी ने देवेंद्र भार्गव जी के लिए अपने आप को बिठा दिया और बोले ठीक है, हम सब इनके लिए ही काम करेंगे। क्या लगता है, जीत मिलेगी आपको? 100% जीत रहे हैं हम, क्योंकि हम नहीं कह रहे हैं, ये पब्लिक कह रहे हैं, यहाँ की, यहाँ नारियलखेड़ा में जहाँ हम संपर्क में जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं परिवर्तन चाहिए। पिछले 20 सालों में यहाँ पर कांग्रेस सरकार रही है, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलेगी? क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़े आपके लिए टास्क है ये। बहुत सारी चीज़ें हैं, पब्लिक देखो, आजकल पब्लिक ऐसी नहीं है, पब्लिक सब जानती है विकास कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, किस तरीके के काम हो रहे हैं, अच्छे काम क्या हैं, बुरे काम क्या हैं, वो सारी चीज़ें कहने की जरूरत नहीं है, पब्लिक खुद कह रही है, हम तो उससे जानते हैं, पब्लिक चाह रही बदलाव होना चाहिए। हम जब संपर्क में जाते हैं तो लोग हमसे कह रहे हैं, भाई साहब 20 साल में कुछ नहीं हुआ,
आदरणीय भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आएगा तो विकास होगा, तो इससे हमें भरोसा है और लोग बिल्कुल तन मन से यहाँ में हमारे साथ लगे हुए हैं। किस तरह से आप सपोर्ट कर रहे हैं आपकी पार्टी के लिए? पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, मैं पूरा बूथ मैनेजमेंट देख रहा हूँ, ये सब काम देख रहा हूँ। तो कल हमारे कार्यालय का उद्घाटन था, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जहाँ का वार्ड नंबर 12 का सारा कार्यकर्ता जितने भी जहाँ के पदाधिकारी हैं सब लोग तन मन से लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बहन तो हमारी बहन है भाई। पिछले तो बल अच्छा था, इस बार बरसात दूसरा का वो उसने ख़राब कर दिया। कांग्रेस का था वो भी, अभी पहले कांग्रेस का था वो अच्छा था। आपके वार्ड में किस तरह से समस्याएं हैं? ये सब तोड़ फोड़ दी, देखो ये दूसरे ने अभी वो गए तो ये तोड़ फोड़ दी सब का। अच्छी थी पहले, अच्छा था पार्षद, अभी जो पार्षद बने थे बनी है लेडीज, उनने पूरा भंडार कर दिया। क्या लगता है आपको कि किसको जीत मिलना चाहिए? जीतना चाहिए। अभी जो है आपके यहाँ पानी और नल की पर्याप्त व्यवस्था है? हाँ, अभी है, पानी अच्छा आ रहा है। सड़कों की पर्याप्त व्यवस्था है इस बार में? खराब कर दी है वहाँ पर, समय जो तो पासा उसने सब खराब कर दी, इधर से लाइन में जा पूरी खराब है। बिल्कुल मेरे को कोई समस्या नहीं है बेटा, मैं तो भन्नाट हूँ, अच्छी हूँ, भली चंगी हूँ। पानी आते हैं इस बार? बिल्कुल, पानी इतना जोरदार आ रहा है, अगर गंदा आता है तो वो खुद आते हैं, हम लोग को गोलियाँ दे के जाते हैं। बहुत अच्छी सफाई वगैरह भी सब होती, कचरे की गाड़ियाँ भी सब आती हैं, हम लोग भी आते हैं, चेक करने भी आते हैं। अगर दो दिन नल नहीं आए तो तीसरे दिन अपने आप नल आ जाते हैं, कोई बात की हम लोगों को परेशानी। आप किस तरह से चुनाव करेंगे? चुनाव तो ऐसा है कि देखो अपन जाएंगे, जब अपन लोगों को खुद पता लगेगा कि अपन कौन से पे चुनाव और किस पे वोट डालेंगे। सही है जी। कचरे के लिए गाड़ी आती है? आती है कचरे के लिए। रोड पर्याप्त है? बिल्कुल, भन्नाट देखो रोड पे मेरी दुकान है छोटी सी, बढ़िया रहती है, फर्स्ट क्लास है। हमारा पार्षद कैसा हो? जीतेगा भाई, जीतेगा, कमल कबूल जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा, कमल कबूल जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा, देवेंद्र भागवत जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा, देवेंद्र भागवत जीतेगा। वार्ड नंबर 12 से पार्षद प्रत्याशी सुधीर गुप्ता जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे, और कल फिर मैं ऐसी कुछ नई खबरों के साथ, कुछ नई अपडेट्स के साथ, कुछ नए वार्डों में मैं फिर मिलूंगी आपके साथ। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।